हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और आज मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ लेकर के आया हूं उन सभी के लिए जो भी फाइव पैसा पर ट्रेडिंग करते हैं या फिर करने के प्लानिंग कर रहे थे। सो अगर आपको नहीं पता कि फाइव पैसा ट्रेडिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि फाइव पैसा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक ब्रोकर है जिसके थ्रू से आप शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। इवन म्यूचुअल फंड्स को भी बाय या सेल कर सकते हैं, प्लस गोल्ड एंड बहुत सारे आइटम्स को आप बाय एंड सेल कर सकते हैं वर्चुअली। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि इससे पहले मैं लगभग इसे 2 साल से यूज कर रहा हूं, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसे मुझे पर मंथ 45 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी ऑलमोस्ट 53 रुपीज़ मुझे पर मंथ इन्हें पे करना पड़ता था। पर अब क्या हो गया था, बीच में ये अपडेट आया था कि जिस मंथ में आप ट्रेडिंग करोगे उसी मंथ में आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता था। पर फिलहाल और एक अपडेट आया है, मुझे रिसेंटली एक मेल आया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस इज हेयर। इसका मतलब ये है कि अब आपको किसी टाइप का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेगा। ये कब से लागू होने वाला है? न जनवरी से, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे, ठीक है, जनवरी 1, 2021 से ये लागू हो जाएगा। कैसे, मैं आपको पूरा चार्ट दिखा दूं किन के ऊपर चार्जेस लगेगा और किन के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है, डिटेल में आप देख लीजिए। होल्डिंग वैल्यू जो 50,000 तक, 50,000 से अंदर का जो भी ट्रेडिंग करते हैं ना, जिसका होल्डिंग होता है 50,000 के अंदर का, उनका जो चार्जेस है डीमैट अकाउंट वो 0 रहेगा। 50,000 से 2 लाख तक का जो ट्रेडिंग करते हैं उनका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 8 रुपीज़ रहेगा। और एबव 2 लाख अगर आपको होल्डिंग है तो आपको सिर्फ 25 रुपये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे। और लेस देन 2 लाख, ठीक है ना, और मोर देन 2 अकाउंट, 1 अकाउंट अगर हो तो आपको भी 25 रुपये ही एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि होल्डिंग क्या होता है, ठीक है ना, मैं आपको अब सीधे अपने अकाउंट में ले जाकर दिखाता हूँ। अब मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूं कि आखिर होल्डिंग्स होते क्या हैं। जैसा कि मैं अपना फाइव पैसा अकाउंट खुलकर दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं पोर्टफोलियो में जाता हूँ तो मुझे मेरा टोटल होल्डिंग दिखाता है 1.34K, मतलब 1,340 रुपये का ही मेरे पास होल्डिंग्स है। दैट मीन्स कि मेरी जो होल्डिंग है वो 50,000 से नीचे है, तो मुझे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। फ्रेंड्स, यस, तो इसका मतलब यही है कि अगर आपका होल्डिंग जो है 50,000 से, तो इसका मतलब यही है फ्रेंड्स कि अगर आपको होल्डिंग जो है 50,000 से कम का होता है तो आपको 0 DP, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा। और अगर आपको 50,000 या फिर 2 लाख है, उससे ज़्यादा है, तो आपको 8 रुपये या 25 रुपये चार्जेस लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये एप्लीकेबल चार्जेस जो है डेबिटेड टू योर ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी कैलेंडर, अगर आपको जो भी चार्जेस लगता है, तो CDSL का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ये जो था आपका डीमैट अकाउंट का मेंटेनेंस चार्जेस था, जो कि अब आपको नहीं लगेगा। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।